हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन जो लोगों ने चैनल में मतलब मैक्सिमम टाइम में बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बोल देता हूँ कि जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब करा है, कर दो सब्सक्राइब। बहुत मजा आता है, सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो, और आप लोगों का भी कुछ खास जाता नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और जिन्होंने कर रखा है वो प्लीज अनसब्सक्राइब तो प्लीज मत ही किया करो। कई बार तो होता है कि सब्सक्राइबर कम भी हो जाते हैं, जो कि बड़ा बुरा लगता है देखने में। डिसलाइक करो, लाइक करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करते चलो। और अगर वीडियो हल्की सी भी रिलेटेबल लगे तो शेयर कर दिया करो। चाहे इसमें कुछ ना तो आपका जा रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट हो रहा है, पर हाँ एक मोटिवेशन मिलती रहती है कि आगे आगे वीडियो बनाते रहें। चलो बहुत ज्यादा हो गया प्रमोशन, मैं अब बात को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने अपनी वीडियो का जो टाइटल रखा है उसमें मैंने बताया कि ये अंडररेटेड जो फूड है, जो विंटर का एक फूड है, अंडररेटेड है, जिसको जो इस सर्दियों में निकल के आता है उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और वो फूड ऐसा फूड है जिसके मतलब आप सुनेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे कि क्या उसके इतने ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। आपने सोचा होगा कि वो बेनिफिशियल है, सबको पता है अच्छा होता है खाने में, पर इतने हाई लेवल के बेनिफिट्स हो सकते हैं ये आपने नहीं सोचा होगा। मैं ऐसे ऐसे आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा उस फूड के बारे में कि आप सुन के हैरान हो जाओगे, और डेफिनेटली आप उसको अपनी डेली रूटीन में ऐड जरूर करोगे अगर आपको वो सारे हेल्दी बेनिफिट्स में हल्का सा भी इंटरेस्ट आया तो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, एक और बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो मैंने रेफरेंस दिया था जीओटी का, गेम ऑफ थ्रोन्स का, उसके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, वो लास्ट में जीओटी का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने आने वाला है। चलो तो इसके जो जिस फूड की हम बात करने वाले हैं उसके बारे में शुरू करते हैं। मुझे लगता है ज्यादा से लोग कोई गैस कर पाएंगे इस चीज को, लेकिन मैं छोड़ो सारी पहेलियां, मैं बता देता हूँ आपको वो फूड है। बड़ा नॉर्मल सा साउंड करेगा आपको, पीनट्स, मूंगफलियां जो आप लोगों को मिलती है, हम खा लेते हैं इजिली, कहीं से भी ले ली खा ली उसको, उसके बेनिफिट हमें थोड़े बहुत पता होते हैं। देखो सबको पता है, इतना गवार कोई नहीं है जिसको ये ना पता हो कि उसमें प्रोटीन है, वो प्रोटीन का सोर्स है, बॉडी को वार्म रखता है, फैटी एसिड्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, पर उसकी टेक्निकल बेनिफिट्स के बारे में आप सुनो तो मतलब हैरान हो जाओगे। उसके टेक्निकल बेनिफिट इतने जबरदस्त हैं कि आपको सुन लेने चाहिए। पहला बेनिफिट मैं इसके अंदर बताऊंगा, टेक्निकली आपको बताना चाहता हूँ कि क्या चीज होती है। जो एल आर्जिनिन करके एक आपका जो कंटेंट है वो उसके अंदर अवेलेबल होता है, और वो लेने के बाद, पीनट्स को लेने के बाद, जो मतलब एक सर्टेन अमाउंट के बाद जो एल आर्जिनिन आपकी बॉडी को मिलता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिएट करके आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स्ड करता है, और रिलैक्स करने पे आपकी रिकवरी हो जाती है बहुत ज्यादा फास्ट। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो ये आपके लिए रामबाण चीज है। अगर आप नहीं भी करते तो भी एक सर्टेन अमाउंट जो आपकी सेट बैठनी चाहिए, अगर आप उसमें इसको लेते हैं तो इससे ज्यादा बढ़िया चीज आपके लिए हो नहीं सकती सर्दियों में। ड्राई फ्रूट के अंदर प्रोटीन सोर्स तो ये है ही, कितना अच्छा आपको पीनट बटर, मतलब पीनट से ही बना हुआ है, पीनट बटर आपको मिलता है, रो पीनट्स आप खा सकते हो। तो ये प्रोटीन सोर्स के साथ साथ एक फैट, हेल्दी फैट का भी सोर्स है आपका बहुत अच्छा। और हेल्दी फैट जो चीज है वो आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिंस हैं उनको आपकी बॉडी में यूज मैक्सिमम अच्छे से अच्छा यूज होने में आपको हेल्प करती हैं। मेजोरिटी ऑफ फैट्स जो होती है वो इसके अंदर, जितनी भी मेजोरिटी ऑफ फैट्स है, मतलब 90-95% जो फैट्स हैं वो अच्छे फैट्स हैं गाइस। इसके अंदर अच्छे फैट्स से मेरा मतलब, मैं आपको बताता हूँ, जो फैट आपकी बॉडी में जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, वो अच्छा फैट आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये वो चीज है जिसके अंदर सबसे मैक्सिमम और मेजोरिटी के अंदर अच्छे फैट आपको खाने में मिलेंगे। देखो भाई, ये जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा कान खोल के सुन लेना, और जो लोग रिलेट करें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ना किसी को मैं बता रहा हूँ, जो लोग रिलेट करें वो इस चीज को मतलब ध्यान से सुन लें। अगर उनको लगे कि ये बहुत जबरदस्ती बात है और अप्लाई करने पे उनको मिले अच्छे रिजल्ट, तो फैला देना अपने जितने भी दोस्त दुखी हो रहे हैं सबको बता देना। फीमेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मेल के लिए भी बेनिफिशियल है, जो इक्वल बेनिफिट्स हैं वो सबको मिलेंगे। इसके अलावा मेल्स को जो बेनिफिट मिलने वाला है, इट विल हेल्प यू, श्योरली इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्पर्म काउंट, मतलब स्पर्म काउंट बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा ये। कैन यू बिलीव इट, आप इसके बारे में स्टडीज हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, इसके बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजंस हैं कि क्यों ये स्पर्म काउंट बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, क्यों रिलैक्स्ड करके आपकी मसल्स को, आपके ब्लड वेसल्स को कैसे ये हेल्प करता है स्पर्म काउंट बढ़ाने में। और स्पर्म काउंट बढ़ाना नेचुरली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और ये उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं।
आपको ये जरूरी नहीं है कि आप चेक कराते फिर वो टेस्ट करा के आओ कि आपको पता चलेगा कि ओ मेरा स्पर्म काउंट सही है कि नहीं, मेरा यू नो आपकी सेक्स लाइफ उससे अफेक्ट हो रही है कि नहीं, आपका ओवरऑल हेल्थ सही है कि नहीं, आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। वो कुछ लोगों को खुद से पता भी होता है उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेज, उनके वर्कआउट परफॉर्मेंसेज और मतलब डेली लाइफस्टाइल में कितना वो थकते हैं, कितनी उनकी हेल्थ उनका साथ देती है हर चीज में, उससे उसको पता चल जाता है। सेकेंडली अगर आपको नहीं भी पता है और आप ये ले भी लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान है। अगर आपके स्पर्म काउंट्स या आपके हार्मोन इंबैलेंस है तो ये हेल्प आपको डेफिनेटली करेगा। यू डोंट नीड टू बी कालिन भैया, जिन्होंने देखी है उनको पता है। तो ये वो चीज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में मेन बात यही थी। अब जो जिस चीज का वेट कर रहे हो वो है रेफरेंस जो मैंने दिया था जीओटी का, गेम ऑफ थ्रोन्स का जो रेफरेंस दिया था उसके बारे में आपको बता देता हूँ। गेम ऑफ थ्रोन्स का जो रेफरेंस है वो इस पूरी क्लिप को आप ध्यान से देख लेना, कितना ज्यादा इंस्पायरिंग हो सकता है आपके लिए, या वीडियो देख के आपको पता चलेगा। मिस्टर थोर ब्रोजनसन, ये जो बंदे की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बंदा वो बंदा है जिन लोगों ने जीओटी देखा है, गेम ऑफ थ्रोन्स हल्का सा भी मतलब उसका अगर पता भी है आपको कि कौन कौन सा उसके अंदर कैरेक्टर है, तो ये जो बंदा है इसने, पहले तो मैं इस बंदे के बारे में बता देता हूँ, ये बंदा तो है ही नहीं, मतलब बंदों की प्रजाति से कहीं और ही पहुंच चुका है। इस बंदे का वजन 205-210 किलो ये कैरी करके रखता है, मतलब मेंटेन करता है। हाइट इसकी 7 फुट से ऊपर है। प्लस यूरोप का ये बंदा है, 31-32 ईयर्स इसकी एज है। और ये स्ट्रोंगेस्ट मैन, आर्नोल्ड स्ट्रोंगेस्ट मैन पहला ऐसा आदमी था जिसने ये टाइटल जीता था, और उसके बाद पता नहीं कोई जीत पाया कि नहीं जीत पाया। मैंने इसी बंदे का जिक्र क्यों किया, पहली चीज जो मैंने जीओटी का जो जिक्र किया उसमें इस बंदे ने द माउंटेन करके कोई करेक्टर है ग्रिगोर करके, उसका इसने जो अभिनय मतलब उसके अंदर किया है उसमें अपना इसने करेक्टर अपना दिखाया है। उस करेक्टर को जिस तरह से उसमें दिखाया गया है, अगर आप लोगों ने वो देखा है, तो उस करेक्टर को इतना ज्यादा पावरफुल और यू नो अनबीटेबल दिखाया गया है, तो जो कि बिल्कुल जस्टिफाई करता है अपने कैरेक्टर के साथ, क्योंकि ये ऐसा ही इसका फिजिक है और यही इसका लाइफस्टाइल है। सेकंड चीज, इसी बंदे का नाम मैंने क्यों लिया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इसके बारे में मैंने थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा जिसके अंदर इसने अपने डाइट का जो प्रोटीन कंटेंट था उसका सबसे बड़ा जो सोर्स बताया वो बताया पीनट बटर को। और जैसा कि आज की वीडियो में हमने बात करी है जिस चीज के बारे में, वही इसने वहां पे जिक्र किया था। मैं पर्सनली इस बंदे से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं है कि मैं इसका सारा रूटीन फॉलो करता हूँ, पर ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या पावर लिफ्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन है ये बंदा। आई होप आपने ये जो भी ये गेम ऑफ थ्रोन्स का जो रेफरेंस मैंने डाला था ये आपको पसंद आया होगा, ये ओवरऑल वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ज्यादा मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को ज्यादा यू नो बोरिंग ना लगे कंटेंट और सुनने में समझने में अच्छा लगे, आसान लगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक और एक्सपेरिमेंट चैनल पे नई वीडियोस के साथ मैं करने की सोच रहा हूँ। कुछ हिंट आपको दे देता हूँ, इंटरव्यू बेसिस वीडियो के बारे में हम सोच रहे हैं, तो मैं और मेरी टीम इस पे काम कर रहे हैं। अगर ये अच्छा कंसेप्ट अगर बन के निकला और जैसा जैसा हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं उस तरह का बना, अगर आपको अच्छा साउंड भी कर रहा है ये कंसेप्ट, तो आप कमेंट में बता दीजिए। पर्सनली जो लोग मुझे जानते हो मैसेज करके मुझे एडवाइस कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑल सजेशंस आर वेलकम, और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वो तो कर ही लेना सब्सक्राइब वगैरह, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।